स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। करीब 1:40 को यहाँ पे क्या है आलम आ रहे थे हुसैन आलम आने के लिए क्या हम रास्ता कर रहे थे। सामने से एक फोर व्हीलर क्रेटा गाड़ी क्या है आई, वो आने के बाद में जो है बैराग आने के लिए क्या है ये आसपास के क्या है जो ये है उसे सरका रहे थे। गाड़ी क्या है खिलौने की क्या है यहाँ पे बाजू लगी हुई थी, गाड़ी पूरी क्या है मेटल की गाड़ी थी। और इस बात का बड़ा अफसोस है कि जो है केईबी वालों के ऊपर के जो केपीटी सेल वाले हैं उन्होंने ये जो टीसी बताया है करीब 7 फुट 8 फुट के क्या है हाइट पे बताया है, जिसकी वजह से क्या है वो गाड़ी मेटल की रहने की वजह से गाड़ी को क्या है करंट लगा। ये हादसा मेरे सामने हुआ, दोनों लोग जो सामने गाड़ी के थे और वो जो पीछे गाड़ी का था वो उड़ के क्या है गिरे पास में। बाद में हम लोग क्या है यहाँ पे जमा हुए के क्या है ऑटो में डाल के क्या है उनको बांगी हॉस्पिटल को क्या है दोनों को भेजे। बांगी हॉस्पिटल में क्या है एक का क्या है डेथ कंडीशन में क्या है लायबल के क्या है डिक्लेयर करे, एक जो है अच्छा है लेकिन सीरियस है वो भी अनस्टेबल है वो क्या है बांगी हॉस्पिटल में क्या है आईसीयू में एडमिट है। अभी एक की डेड बॉडी क्या है बांगी हॉस्पिटल से हम सिविल हॉस्पिटल को शिफ्ट किए हैं, वहां पे क्या है आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है पूरा क्या है फेलियर है, केपीटीसीएल की बेजिम्मेदारी है। मेन रोड पे जहाँ पे क्या है काफी क्या है ट्रैफिक का क्या है रोड है वहां पे 7 फुट के हाइट के ऊपर क्या है ये जो टीसी क्या है बिठाया गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ के क्या है कारपोरेटर अफसर क्या है वांटी 6 महीने पहले क्या है केईबी को क्या है एक लेटर लिखे क्या है उनको हाइट चढ़ाने के लिए या शिफ्ट करने के लिए क्या है एक लेटर भी क्या है सबमिट किया है, फिर भी क्या है
उनकी क्या है निष्काजी की वजह से क्या है आज ये क्या है मौत हुई। इसके जिम्मेदार केपीटीसीएल ही इसके जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसके ऊपर, क्योंकि दोनों लोग क्या है गरीब है, दोनों लोग क्या है मेहनत करके खाने वाले हैं, रोजमर्रा की क्या है रोजी के ऊपर उनका क्या है घर बार पेट चलता है। बेचारे क्या है बीवी बच्चों को लेके क्या है यहाँ व्यापार कर रहे थे, उनको जो है गवर्नमेंट से जो भी मुआवजा आना है। मैं अभी डीवाईएसपी साहब हमारे यालगार साहब यहाँ पे स्पॉट पे आए थे, हमारे कारपोरेशन के कमिश्नर साहब विजय मकलकी साहब भी स्पॉट पे आए हैं, यहाँ के कारपोरेटर हमारे अफरोज वाटी है, हमारे वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर जमीर अहमद भांगी साहब भी यहाँ पे है, हमारे एक्स काउंसिलर सैयद इदरीस पाशा बख्शी साहब भी यहाँ है। सर, हमारे कहने की बात यह है कि इतनी यहाँ पर भीड़ जमती है और ये यहाँ पर भीड़ जमने का अंदेशा भी है और ये कई सालों से यहाँ पर जो है भीड़ मुहर्रम की शक्ल में आती है, लेकिन इस तरह डेंजर जोन में जो ये ट्रांसफॉर्म आपको नजर आया, अब जो बैरिकेड लगाए ये लगाया गया था या अभी नहीं? नहीं नहीं, मैं खुद ठहर के क्या है, मैं और हमारे जमीर अहमद बांगी साहब के फर्जंद अयान बांगी ठहर के क्या है, हम लोग हाथ से खींच के ले जाके क्या है ये जो बैरिकेड लगाई, हम बैरिकेड नहीं था, पुलिस नहीं था, हम खुद क्या है यहाँ पे क्या है ट्रैफिक को किनारे करके क्या है आलम को लेके जा रहे थे, ये बैरिकेड हम लोग क्या है हमारे हाथ से खींच के लेके आगे लगाए वो मस्जिद के पास से। अगर ये बैरिकेड पहले लगता तो यहाँ तक बिल्कुल चल सकता था, बिल्कुल क्या है यहाँ पे क्या है कोई मौत भी नहीं होती थी, कोई किसी तरह का हादसा नहीं होता था। पूरे बैरिकेड लेकर के अतौल चौक में रखे थे यहाँ पर लगाए नहीं आप? तो वो लगा तुम बोल के मस्तान भाई जो है सब लगाते हैं बोल के, हमें जस्ट वो बात करें हमारे से। अभी आलम जहाँ हमारे हाफिज साहब अंदर असार गली में थे, इधर रश कम थी, वो उधर से लेकर आने के टाइम तक ये हादसा हो गया। सर, ये गरीब की जान गई है तो इसकी जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हम 6 महीने हुआ, आज भी उनके पास हमारे रिश्वत काफी है, अर्जी दी ये और 4-5 टीसी है ये कान्हा बोल के, वो मैडम जो इंजीनियर है वो लेके करके आज कल कर बोल के अभी तक रुका है। जिस शख्स की मृत्यु हुई है उसके छोटा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? मैं इसलिए हमारे कमिश्नर साहब को बुलाऊँ, हमारे कारपोरेशन से क्या मदद होती कमिश्नर के थ्रू। जामा मस्जिद रोड पर हमने देखा है कि कहीं ट्रांसफर इसी तरह से और अंदर छोटे छोटे गलियों में होता है, तो आप क्या इसे एक सबक सीख कर उसको कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे क्या? एक और बड़ा हादसा होने का इंतजार करेंगे? नहीं नहीं, इमीडिएटली अभी कमिश्नर साहब बुलाने के लिए लगाते हैं, लगा को इसका क्या है पहला डिसीजन हुए के बाद ही हमारे यहाँ के मोहल्ले के लोग सड़कने वाले इधर। तो हेस्कॉम के कोई जिम्मेदार पहुंचे यहाँ पर? अभी भी नहीं पहुंचे, इसलिए हमारे एडब्ल्यू साहब भी कमिश्नर साहब आए हैं, अभी इसके बाद उन्होंने जिसे बुलाते हैं बुला के इमीडिएटली 24 आवर में कांडा देवर कार्यक्रम इवतन व्यापार मोदी सदर्भ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಕಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನಾ ಅಂತೀರಾ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಹೇಬರ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ಕಾಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕಾಂ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ನೀವು ಏನಾರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಾದಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮವ್ರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಕಾಂದವ್ರದ್ದು, ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾ ಎಸ್ಕಾಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ